नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बेसिक गणित के 15 टॉपिक्स को कवर किया था। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। अगर आज आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस पर 10 लाख से ज़्यादा व्यूज नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। जब मैंने उस वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक किया तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पर यह कमेंट किया हुआ है कि सर, बेसिक गणित को और भी डिटेल में समझाओ, कुछ ऐसे टॉपिक भी ऐड करो जो हमें नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने यहां पर गणित के 10 और टॉपिक लिए हुए हैं। इनमें मैंने कुछ नए टॉपिक्स को भी शामिल किया है जिससे आपको कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसमें मैंने जो भी कुछ समझाया हुआ है, इस तरीके से समझाया है, सारे YouTube पर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, हर चीज को डिटेल में समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारे टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे, सबसे पहले भिन्न को सीखेंगे, फिर इसके बाद में एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर परसेंटेज सीखेंगे। यहां पर मैंने एक नया टॉपिक लिया है विभाज्यता, जो हमने पिछली वीडियोस में नहीं लिया था। इसके बाद में संख्याएं, ये जो एक नया टॉपिक लिया है ये भी हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसके बाद में घातांक, औसत, समीकरण, इसके बाद में हमने लिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इतने सारे टॉपिक जो है मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए हमारा जो पहला टॉपिक है उसको समझते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न, ठीक है। अब आप YouTube पर सर्च करेंगे ना भिन्न के बारे में, तो आपको सिखाया जाएगा भिन्न का जोड़, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाना, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आपको कोई भी नहीं सिखाता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में भिन्न होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि भिन्न आखिर में हम बोलते किसको है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो संख्याएं होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं क्या, अंश बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो है ये क्या होती है, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है, ठीक है। हम इसको बहुत ही जीरो लेवल से समझ रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो ऊपर वाली संख्या हो गई अंश, नीचे वाली संख्या हो गई हर, ठीक है। जहां पर Q जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, मतलब जो नीचे वाली संख्या है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई आपसे बोल दे कि 2/0 क्या ये भिन्न संख्या है, नहीं है, क्योंकि भैया यहां पर जीरो है, भिन्न में नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बाद में भिन्न आप समझ गए, अब देखिए भिन्न के प्रकार भी होते हैं। इसके बाद में देखिए क्या है, सरल भिन्न। अब सरल भिन्न क्या होती है, तो सरल भिन्न होती है जैसे कि 2/5 हो गया, 3/8 हो गया, 7/9 हो गया, तो ये क्या है, सरल भिन्न है, ठीक है। मतलब कि इसमें अंश और हर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सरल भिन्न बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है मिश्रित भिन्न। अच्छा, अब ये मिश्रित भिन्न क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो मिश्रित भिन्न ऐसी संख्या होती है जैसे कि देखिए 2 सही 1/3, यहां पर ये वाली जो संख्या आपको दिख रही है ना, ये संख्या आपको एक्स्ट्रा दिखेगी, ठीक है। 3 सही 5/7, अब देखिए यहां पर 3 सही 5/7 है, तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। जब भी आपको इस तरह की भिन्न दिखेगी ना तो आप बता दीजिएगा कि सर ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। इस तरह की भिन्न आपको दिखे तो बता दीजिएगा ये कौन सी भिन्न है, सरल भिन्न है, ठीक है। इसके बाद में आता है उचित भिन्न। अच्छा, उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न में ऊपर वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे कि देखो 2/3 उचित भिन्न है, 5/7 उचित भिन्न है, ठीक है, 9/10 उचित भिन्न है, ठीक है, 8/3। अब ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई। जब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी ना उसको हम बोलेंगे क्या, उचित भिन्न। नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई तो वो क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो भिन्न को आपने समझ लिया। अब भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चीजें अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर मैंने यहां पर लिंक दिया हुआ है। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए यहां पर एलसीएम और एचसीएफ के मैंने दो दो सवाल लिए हुए हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, यहां पर क्या है, देखो 12
फिर इसके बाद में है 18, फिर इसके बाद में है 20, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, इसके बाद में एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, हमें दो लाइन इस प्रकार से खींच लेना है, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे सबसे पहले दो से लगाएंगे, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, फिर तीन से लगाएंगे, तीन से नहीं जाएगा, तो पांच से लगाएंगे, पांच से नहीं जाएगा, तो सात से, सात से नहीं जाएगा, तो फिर हम 11 से लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो चलिए दो से लगाते हैं सबसे पहले, तो यहां पर 12 में कितनी बार जाएगा, दो इछिंग 12, 18 में लगाएंगे दो नाम 18, 20 में लगाएंगे दो इधाम 20, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फिर से हम काय से लगाएंगे, दो से, तो यहां पर कितना है 6, तो दो तिया 6, यहां पर 9 है, 9 में तो जाएगा नहीं, 9 को ऐसे ही छोड़ दो, 2 5 10, ठीक है। अब देखो यहां पर दो से तो जा नहीं रहा है, तो अब हम तीन से लगाएंगे, तो तीन से देखिए यहां पर चला जाएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब फिर से हम 3 से लगाएंगे, 1 का 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 5 का 5, ठीक है। अब 5 बचा हुआ है तो 5 से ही जाएगा, 1 का 1, यहाँ पर भी 1 का 1 और 5 एकम 5, ठीक है। नीचे 1 1 1 आ गया, इसका मतलब ये जो सवाल है हमारा पूरा हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो संख्या है ना, इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 दुनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है, इनका हमने गुणा किया कितना आया 36, तो ये हमने लिख दिया 36। अब यहाँ पर क्या है 5, तो ये हो गया हमारा 5, 36 और 5 का गुणा कर लीजिए, हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो देखिए 6 5 30, ठीक है, 30 की 0 हासिल 3, इसके बाद में देखिए 5 3 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 180। तो हमारा जो पहला सवाल है इसका LCM क्या आ गया, 180 आ गया, ठीक है, 180 आ गया, ठीक है। अब एक और सवाल है, इसको देखिए हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो आपको एक ही बार में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और सवाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 32, फिर इसके बाद में है 16, फिर है इसके बाद में 8, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे 2 से भाग, तो यहाँ पर देखिए कितना है 32, तो कितनी बार जाएगा 16 दुनी 32, 16 बार। अब यहाँ पर 2 8 16, यहाँ पर 2 4 8, ठीक है। अब फिर से 2 से लगाइए, 2 8 16, यहाँ पर 8 है, 2 4 8, यहाँ पर 4 है, 2 दुनी 4, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 2 4 8, ठीक है, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दुनी 4, यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2 और 1 का 1, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। नीचे हमारा यहाँ पर देखिए 1 1 1 आ गया। अब हमें आगे सोल्व नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा LCM क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं LCM बराबर, इन सभी को गुणा करिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और फिर 2 कितनी बार है, 5 बार है, 3 बार हो गया, 4 और ये 5। अब इन सभी को गुणा करिए, तो क्या आएगा, देखो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, मतलब कि इन संख्याओं का जो LCM है वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब हम सीखेंगे HCF कैसे निकाला जाता है। LCM निकालना आ गया ना, तो HCF आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिए कैसे करना है, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, फिर हम सीखते हैं हमारा HCF, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई HCF, अब हम सीख रहे हैं। तो HCF के सवाल में देखिए पहला सवाल क्या है, 12 और 20, ठीक है। तो हमें 12 और 20 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है, या फिर आप इनको डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा 12 और इसके बाद में 20 है, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। 12 के गुणनखंड करिए, 12 के टुकड़े करिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 2 12, ठीक है। देखिए 2 3 6, 6 2 12, 12 के हमने टुकड़े करके लिख लिए। इसी प्रकार हम 20 के लिखेंगे, तो 5 2 10, ठीक है, और 10 2 20, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 2 10, 10 2 20। जब आप इनकी गुणनखंड करेंगे तब भी आपकी सेम ही संख्या आएगी। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि दोनों में कौन कौन सी चीज कॉमन है, जो कॉमन होगी वही HCF होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में
दो हमारा यहां पर है, ठीक है, और यहां पर भी है, तो यहां पर हमारा दो आ गया, ठीक है, दो बार कॉमन हो गया। अब तीन यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, पांच यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हमारा जो कॉमन आया है उसको हम लिख लेते हैं। तो भाई एक तो हमारा कॉमन यहां पर आया है, ठीक है, दो, और यहां पर कॉमन आया है दो, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, दो दूनी कितना हो जाएगा चार, मतलब जो हमारा एच सी एफ आया है वो क्या है, चार है। देखिए कितना आसान है। चलिए एक और कर लेते हैं, दूसरा सवाल, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे हल करने से पहले, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 70 और ये हो गया हमारा 85, ठीक है। अब अगर आपको बड़ी संख्या दिखे ना तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप अलग अलग उनका गुणनखंड कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर हम 70 का करेंगे तो दो से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो तीन छः, ठीक है, सात थे तो एक बचेगा, दो पंजे दस, ठीक है। अब इसमें देखिए दो से तो जाएगा नहीं, पाँच तीन आठ, तीन से भी नहीं जाएगा, तो अब हम लगाएंगे पाँच से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाँच सत्ते 35, अब सात से लगाएंगे, सात एकम सात, ठीक है, तो अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये काय से जाएगा, तो ये देखिए दो से तो जाएगा नहीं, तीन से देखते हैं, आठ और पाँच कितने हो जाएंगे, आठ पाँच तेरह, मतलब तीन से नहीं जाएगा, अब लगाते हैं हम पाँच से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाँच एकम पाँच, तीन बचेंगे, पाँच सत्ते 35, फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, ठीक है। तो अब हमने दोनों के गुणनखंड कर लिए हैं, ठीक है। तो 70 के हमारे गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 70 के गुणनखंड आए हैं हमारे दो गुणा पाँच गुणा सात, ठीक है, ये जो संख्याएँ हैं क्या आई हैं, दो पाँच और सात। इसी प्रकार से इसके देख लेते हैं 85 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं हमारे कितने, पाँच गुणा 17, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दो यहाँ पर है लेकिन दो यहाँ पर नहीं है, तो दो को नहीं लेंगे, ठीक है, पाँच यहाँ पर है और पाँच यहाँ पर भी है, मतलब इनका जोड़ा बन गया, ठीक है। इसके बाद में सात यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पाँच है ना यही कॉमन आया है, तो जो पाँच है वही हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है ना तो कमेंट करिए, जैसे हमने अभी ये वीडियो बनाया है आगे और भी वीडियोस आपके लिए बना देंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा प्रतिशत। अब प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई परसेंटेज आखिर में होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आठ सवाल लिए हुए हैं, इन आठों ही सवालों को अगर आप देखेंगे ना तो हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिशत को मैंने यहां पर डिटेल में समझाया हुआ भी है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, प्रति धन सत, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और सत, ठीक है। प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है, और सत का मतलब होता है सौ, ठीक है, एक और सौ, मतलब कि प्रत्येक सौ, ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक सौ, ठीक है। चलिए तो प्रत्येक सौ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बटा सौ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, जैसे कि लिखा होगा दो परसेंट हो जाएगा, तीन परसेंट हो जाएगा, पचास, ठीक है, पचास परसेंट हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो परसेंट होता है ना, ये जो परसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का चिन्ह दिखा मिले, लिखा हुआ मिले, तो उसको आप लिख सकते हैं एक बटा सौ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है दो परसेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं दो गुणा, ठीक है, एक बटा सौ, ठीक है भाई, दो तो हमारा ये हो गया, इसका मतलब क्या है, एक बटा सौ, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम इसके सवालों को हल करते हैं, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, अब हम इसके सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो सवाल है क्या है, 200 का 7%, बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखो, 200 का जहां पर भी लिखा हुआ देखे आपको परसेंटेज के सवाल में, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है, यहां पर हम लगा दिया गुणा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, सात, तो ये हमने लिख दिया सात, ठीक है, फिर गुणा, इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, परसेंट, तो परसेंट का मतलब आपको मैंने अभी बताया था क्या है, एक बटा सौ, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा एक बटा सौ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो जीरो से हमारी दो जीरो कट जाएंगी, अब जो बचा हुआ उसको गुणा कर लो, तो यहां पर क्या आ गया, दो गुणा सात, ठीक है, सात और दो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सात दूनी चौदह, ठीक है, चौदह हो गया, और यही जो चौदह हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है ना, इसका आंसर आ गया हमारा चौदह, ठीक है। चलिए अब इसको हम साफ कर देते हैं, अब धीरे धीरे सवाल का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, तो दूसरा है 540 का 7%, तो ये तो बिल्कुल सेम ही सवाल है ऊपर वाले की तरह, इसको आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा तीसरा सवाल देखिए क्या है,
320 का 80% का 20% क्या होगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि भाई यहां पर भी परसेंट है और यहां पर भी परसेंट है, दो जगह पर परसेंट है, आप कैसे करेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो क्या है देखो 320, तो ये हमने लिख दिया 320 का है, का के स्थान पर आपको पता है गुणा लगाना है, तो ये हमने लगा दिया गुणा। फिर इसके बाद में क्या है 80%, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 80, और प्रतिशत का मतलब आपको पता है क्या है 1/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/100। फिर इसके बाद में गुणा यहां पर क्या है 20, ठीक है, का लिखा हुआ है तो का के स्थान पर हमने गुणा लगा दिया, फिर क्या है 20%, तो ये हमने लिख दिया 20, और प्रतिशत का मतलब आपको पता है 1/100, ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ में आया। चलिए अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो यहां पर एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक जीरो से एक जीरो। अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में लिखेंगे, तो यहां पर क्या है 32, तो ये हो गया 32 गुणा, यहां पर क्या है 8, तो ये हो गया 8 गुणा, यहां पर देखिए कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा 2, तो ये हो गया 2 गुणा, यहां पर क्या बचा 1/10, ठीक। चलिए अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब आगे ऊपर तो कुछ बचा नहीं हुआ है, यहां पर क्या है 8 दुनी कितना हो जाएगा 16, 16 की 6 हाँ से लेख, ठीक है, 8 3 24 और 1 25 कितना हो गया 256, और बटे में क्या है 5, 256/5 आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 5 से हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है, 6 है तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 1 बच गया तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 दुनी 10, यानी हमारा कितना आ गया 51.2, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा सवाल है इसका आंसर आ गया हमारा 51.2, ठीक है। चलिए तो हमने तीसरा सवाल भी कर लिया, अब हम करते हैं हमारा चौथा सवाल, ठीक है। तो चौथे सवाल में देखिए क्या दिया गया है 80% का, 20% का, 18%। अब इसमें देखिए आपको संख्या नजर नहीं आ रही है, सिर्फ प्रतिशत नजर आ रहा है, यहां पर भी प्रतिशत है, यहां पर भी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले है 80%, तो 80 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, तो ये हमने लिख दिया भाई 1/100 गुणा, इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है 20, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है, प्रतिशत मतलब 1/100, ठीक है। इसके बाद में फिर से का है मतलब फिर से गुणा 18, तो ये हो गया 18 गुणा 1/100, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखो यहां पर हम काटते हैं एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ठीक। इसके बाद में देखिए जो बचा हुआ उसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे, ये हो गया हमारा 8, ठीक है, यहां पर इसके बाद में क्या है 2, ठीक है, गुणा यहां पर देखिए बटे में 100 है, तो ये हमने लिख लिया 1/100 गुणा यहां पर क्या है 18/100, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 दुनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो 16 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 16 एकम 16, ठीक है। इसके बाद में ऊपर क्या है 18, तो ये हो गया 18, और बटे में देखिए यहाँ पर क्या है 100 गुणा 100, क्लियर है। तो 100 और 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 10,000, ठीक है, तो ये हो गया 10,000। अब ऊपर वाली संख्याओं को भी गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर वाली संख्याओं गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा 16 गुणा 18, तो 8 6 32, तो 8 और 6 का गुणा करते हैं तो 8 6 48, 48 के 8 हासिल 4, फिर इसके बाद में 8 एकम 8 और 4 12, 128 हो गया, गुणा 1 से करेंगे तो ये 16 आएगा, इनको जोड़िए ये हो गया 8 6 और 2 8, 1 और 1 2, कितना हो गया 288, तो ये आ गया हमारा 288, ठीक है। अब नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, तो 1 2 3 और यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर लगेगी दशमलव, मतलब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0.0288, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर चौथे सवाल का, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब हम इसको यहां से हटाते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा पांचवा जो सवाल है इसमें हमसे कहा गया है 3/5 का प्रतिशत रूप बताइए, तो 3/5 का प्रतिशत रूप बताना बहुत ही आसान है, ये हो गया 3/5, इसमें 100 का गुणा कर दो हमारा प्रतिशत रूप निकल करके आ जाएगा, तो 3 का गुणा 100 में करें कितना हो जाएगा 300, ठीक है, और बटे में है हमारा 5, 300/5 आ गया, इसको हल करिए 5 एकम 5, 5 6 का 30 और 0 कितना आ गया 60, अब इसको क्या लिखेंगे 60%, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, देखिए कितना सिंपल है। चलिए ये वाला हो गया, अब इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या कर रहे थे 3/5 का प्रतिशत रूप, अब हमें क्या दिया गया है 70% का भिन्न रूप, ठीक है, देखिए ये भी बहुत आसान है, तो यहां पर लिखेंगे 70%, प्रतिशत का आपको पता है क्या होता है, प्रतिशत
यहां पर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, बस इसको हल कर लीजिए तो 0 से 0 कट जाएगी। यहां पर क्या आ गया, ऊपर आ गया 7, इसका गुणा 1 में होगा 7 एकम 7 और बटे में आ गया 10, तो कितना हो गया 7/10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखिए हमारा 7वां सवाल है, इसको यहां से साफ कर देता हूं। और 7वें सवाल को देखिए, 420 का कितना परसेंट 40 होगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान पूर्वक समझना पड़ता है। देखिए 420 का कितना, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 420 का एक्स प्रतिशत कितना है, वहां पर 40 है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कि 420 का x प्रतिशत कितना है, 40 है। अब x की वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 420 का के स्थान पर गुणा, यहां पर है x और प्रतिशत का मतलब है बटे में 100 और बराबर में यहां पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, ठीक है। और इसके बाद में इसको काटेंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, ठीक है। 21 आ गया, 21 और x का गुणा करेंगे कितना आएगा 21x और बटे में कितना आ जाएगा 5 और बराबर में कितना है 40। अब इस 5 का गुणा इधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21x बराबर यहां पर आएगा 0 और 5 × 20 कितना आ गया 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा 200/21, ठीक है। तो यहां पर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो भाई अगर इसको हम 10 बार में काटेंगे तो ये इससे ज़्यादा निकल जाएगा, तो लगभग हमारा कितना आएगा 9 point कुछ आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये हमारा दिया गया है 15% क्या होगा, तो ये सवाल बिल्कुल हमारा यहाँ पर चौथे सवाल की तरह है, तो इसको आप यहाँ पर हल करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विभाज्यता, ठीक है। अब हम विभाज्य, तो यहाँ पर देखिए विभाज्यता आखिर में होती क्या है, जैसे कि मैं आपसे आपके सामने यहाँ पर एक संख्या लिख दूं 8 और आपसे पूछूं कि ये जो संख्या ये किससे विभाजित होगी, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 से विभाजित होगी या फिर ये 4 से विभाजित होगी या फिर ये 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई विभाज्यता होती क्या है, मतलब जो नंबर इसमें भाग दे सकते हैं उन्हें हमको क्या बोलेंगे, इसकी विभाज्यता बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर कुछ नंबरों की विभाज्यता के रूल सीखेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर देखिए कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगी, ठीक है, 2 से कटने का नियम, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका रूल क्या है कि भाई संख्या के लास्ट में क्या होगा, संख्या के अंत में क्या आएगा, या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी संख्या आए तो वो संख्या जो है हमारी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं यहां पर 42, तो यहां पर देखिए क्या है, 2 है, इनमें से आ रहा एकाएक अंक, मतलब ये 2 से कट जाएगी। काट के देख लेते हैं, देखिए 2 एकम 2, यहां पर 2 × 2 = 4, 2 एकम, देखिए 21 बार में कट गया। अगर कोई और संख्या लिखें, जैसे कि मान लीजिए 402 लिखें, यहां पर 2 है मतलब ये भी 2 से कट जाएगी, देखिए काट के देखते हैं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहां पर 2 × 2 = 4 = 0, 2 एकम 2, देखिए ये भी कट गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आएगी वो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भाई 3 से कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है, 3 से कटने का नियम क्या है, ठीक है। तो कोई भी संख्या को देखिए आप, वह संख्या, ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दिया गया है 12, अब ये जो 3 से तो कटती है, लेकिन आप पता कैसे करेंगे कि भाई ये 3 से कटेगी, तो आपको क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ देना, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है 3, अब 3 जो है वो 3 से कटता है, इसका मतलब 12 भी 3 से कटेगा, ठीक है। हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 180, अब हम चेक करेंगे क्या भाई ये 180 जो है वो 3 से कटेगा, तो ऐसे हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 1 + 8 + 0, ठीक है, जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना होता है 9, अब 9 को देखिए 9 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9, अगर 9 3 से कटता है इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये रूल क्या है, देखो तो कोई भी संख्या हो आपको क्या करना है, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़कर देखना है, अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो सभी जो नंबर्स हैं वो 3 से कट जाएंगे, ठीक है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए 3 से कटने का रूल ये है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हो गया, अब इसके बाद में देखिए तीसरा, यानी कि अब हमारा 4 से कटने का रूल क्या है,
ठीक है, तो कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 4, 2, 8, 6, 2, 8 और इसके बाद में 4, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर है, आपसे पूछा गया है कि ये नंबर कैसे कटेगा, तो सबसे पहले तो आप बता देंगे भाई इसके लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से चेक करें, क्या ये 3 से कटेगा, तो सभी को जोड़ देंगे और चेक कर लेंगे कि भाई ये जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम 4 से कैसे चेक करेंगे कि भाई 4 से ये कट जाएगा, तो आपको क्या करना है, संख्या के लास्ट के दो अंक देखना है। अगर संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए कैसे, यहां पर देखिए इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 4, देखिए कट गया, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। समझ में आया, मतलब हमें ये देखना है कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसके लास्ट के दो नंबर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 5 का रूल क्या है, तो 5 का रूल देखिए, अगर किसी संख्या के एंड में 0 आए या 5 आए, ठीक है, किसी भी संख्या के एंड में या तो 0 आए या 5 आए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 420, लास्ट में 0 है मतलब 5 से कटेगा, चलिए काट के देख लेते हैं। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 40, 2 बचे यहां पर कितना हो जाएगा 20, तो 5 × 20 देखिए 84 बार में कट गया। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि देखिए 45, 5 × 45 होता है, 455 ले लेते हैं, तो देखिए लास्ट में 5 है मतलब ये कटेगा, तो देखिए 5 × 45 और 5 × 5 देखिए कट गया ना। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए वो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। 6 से कटने का रूल क्या है, तो 6 से कटने का रूल बहुत ही आसान है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। 7 से कटने का रूल क्या है, तो अगर कोई संख्या 7 से कटेगी तो उसका रूल ये है कि संख्या 6 बार रिपीट हो, जैसे कि देखिए 6, 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है, ये हमारी कितनी बार, 6 बार अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि भाई 6 लिखे हुए 7 से नहीं कटेगी, ये 6 बार रिपीट है इसका मतलब ये 7 से कट जाएगी, ठीक है। 8 से कटने का रूल क्या है, संख्या के एंड के 3 अंक, ठीक है, कोई भी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 से कटने का रूल क्या है, तो संख्या को चेक करिए, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से कटने का रूल क्या है, लास्ट में 0 आएगा तो 10 से कट जाएगी, ठीक है। बस इतने ही रूल हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो समझ में आया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको समझते हैं, हमारा अगला टॉपिक है संख्याएं। अब संख्याओं में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई संख्याएं आखिर हम इनको समझें कैसे, बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो आज आप इस वीडियो में देखिए सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में ऐसी संख्याएं आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते चले जाइए, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 और आप गिनते ही चले जाइए, कभी भी खत्म नहीं होंगी, तो लास्ट में क्या आएगा, अनफाइनाइट यानी कि इनफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनफिनिटी आ गया यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए आपसे अगर पूछे कि भाई प्राकृत संख्याओं का आखिरी वाला नंबर क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा भाई, आखिरी वाला नंबर किसी को नहीं पता कि भाई लास्ट में क्या आएगा, गिनते चले जाइए कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अच्छा पूर्ण संख्या क्या है, इसी में कंफ्यूजन होता है कि भाई प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें अगर जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें अगर 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसे, देखो यहां पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और इनका भी कोई एंड नहीं है, ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक, अनफाइनाइट, ठीक है, अनंत मतलब अनफाइनाइट तक जाएंगी, इनका कोई भी यहां पर एंड संख्या नहीं पता किसी को भी, ठीक है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है भाई, यहां पर एक प्रश्न भी बन सकता है कि भाई क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपको पता है भाई जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या के अंदर भी आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो नहीं, यहां पर देखिए
जीरो जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो नहीं है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या इन तीनों में तो कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो, ठीक है। अब जीरो के इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, एक दो तीन, और बढ़ते चले जाइए कहां पहुंचोगे, अनंत तक, मतलब कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। अच्छा जीरो के इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव, यहां पर देखिए माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, इधर भी आप गिनते चले जाइए कहां जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। मतलब जीरो के इस तरफ चले जाइए तो भी यहां पर अनंत तक जाएंगे, जीरो के इस तरफ आइए तो नेगेटिव यहां पर क्या आएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स मौजूद होते हैं जो अनंत तक जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं भाई, देखो यहां पर ये जो है पूरी प्राकृत संख्याएं यहां पर मौजूद है, एक से लेकर अनंत तक जा रही हैं, मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहां पर प्रश्न बनता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई, देखो ये जीरो शुरू हो रही है तो यहां पर भी जीरो से शुरू हो रहा है, मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और अब यहां पर अगर उल्टा पूछ ले कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद में आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, और ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, ठीक है, इनका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। इसके बाद में आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, नौ हो गया, ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर प्रश्न बन सकता है क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं कि भाई ये भी इन्हीं में मौजूद होंगी, ठीक है। क्या सभी विषम संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं क्योंकि ये भी इसी में से निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और स्वयं के अलावा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती। जैसे देखिए यहां पर क्या हो गया, देखो दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, इसके बाद में ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, इसके बाद में यहां पर हमारा सत्रह हो गया, उन्नीस हो गया, तेईस हो गया, और यहां ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक, इनका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनका एक रूल होता है कि भाई ये जो संख्या है ये या तो खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी। जैसे कि देखिए यहां पर हमारा ये दो से ही कटेगा और एक से कटेगा, तीन जो है वो तीन से कटेगा और एक से कटेगा, पांच जो है वो पांच से कटेगा और एक से कटेगा, सात जो है वो सात से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि भाई सारी संख्या जो है या तो वो खुद से कट रही है या तो वो एक से कट रही है, ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रही है, ठीक है, समझ में आया। तो संख्याएं जो है आप यहां पर समझ चुके हैं, ठीक है। इनमें एक दो प्रकार की संख्याएं और होती हैं, तो उनको अगर आपको समझना है आई बटन पर लिंक है, इस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा घातांक, ठीक है। अब देखो भाई घातांक क्या होता है, तो घातांक के जो सवाल होते हैं ना वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होते हैं, ठीक है। इन पे कैसे आधारित होते हैं, जैसे कि देखिए हमारा पहला रूल है, अगर x की घात m हो गुणा x की घात n हो तो उन दोनों की घात को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा रूल है, अगर x की घात m है और उसके ऊपर एक और घात n लगी हुई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात m n, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद में हमारा एक और रूल है, x की घात m बटे x की घात n अगर होगा तो घातें जो है वो माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार में अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। इसके बाद में x की घात माइनस m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की घात m, मतलब जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी, ठीक है। चलिए इनको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर x है, x कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 की घात यहां पर 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा x की घात m गुणा यहां पर 2 की घात, मान लीजिए n का मान, मान लीजिए हमारा हो गया
दो, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x की घात m प्लस एन, मतलब 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं m प्लस एन, मतलब कि 3 प्लस 2। सीधा सीधा मतलब यह है कि जब भी हम घातांकों को गुणा करेंगे तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। बस आपको देखना है कि जो आधार है ना वो समान होना चाहिए, ये समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 की घात 5, मतलब कि 32 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले रूल का देखते हैं, तो मान लीजिए 5 की घात 2 और इसके ऊपर घात लगी हुई है 3, अब क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो घातें हैं वो गुणा हो जाती हैं, 5 और इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 गुणा 3, ठीक है, तो 5 की घात 6 आ जाएगा, तो 5 की घात 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 2 की घात 3 बटे 2 की घात 4, तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऊपर वाली संख्या की जो, देखिए ये तो आधार है, आधार तो दोनों में सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात, ये दोनों भाग में है तो भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 4, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घात -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि माइनस घात है, माइनस घात मतलब कि उसको हम बटे में पहुँचा देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसको साफ करते हैं और हमारा अगला जो रूल है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कोई भी संख्या अगर ऐसी दिखे 2 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा, 2 की घात 0 मतलब 1। किसी भी संख्या, दुनिया की किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो संख्या हमारा उसका मतलब 1 ही होगा, जैसे कि 4, 8, 2, 5, इसकी घात 0 लगाइए तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये आप समझ गए। इसके बाद में एक और हमारा रूल है, अगर किसी भी संख्या की घात नेगेटिव हो, जैसे कि 2 की घात -3, तो इसका हल क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 1/2 की घात 3, इसको आप और हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, तो क्या हो जाएगा, 1/8 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऐसी संख्या है, देखो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या है जैसे कि 4 गुणा 2 और इसके ऊपर घात लगी हुई है मान लीजिए 2, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं अगर हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, x और y दो संख्याएं हैं और वो दोनों गुणा में हैं, उनकी घात n लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने घात लगा दी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, 4 दुनी कितना हो जाएगा 8, 8 की घात 2 करो, या फिर यहाँ पर 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 मतलब 4 चौके 16 गुणा यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब 2 दुनी 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 4 का गुणा करिए, 4 6 24 की 4 हासिल 2, ठीक है, फिर इसके बाद में 4 एकम 4 और 2 6 कितना हो गया, 64, और यहाँ पर देखिए 8 2 बार है मतलब 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, तो देखिए यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, तो समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है औसत। तो यहाँ पर देखिए औसत निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो औसत को पहले समझिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी में आपको कभी कम काम रहता है, कभी ज़्यादा काम रहता है, ठीक है, तो आपको सैलरी भी उसी हिसाब से मिलती है। मान लीजिए कभी आपको मिली 200, ठीक है, कभी आपको मिली 300, ठीक है, कभी आपको मिली 350, कभी आपको मान लीजिए मिली 50 रुपए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई महीने में कितना कमा लेते हो, तो आप वहां पर क्या बताएंगे, एवरेज निकाल देंगे कि भाई महीने में मैं जो है 6000 कमाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे दिन का कितना कमाते हो, तो भाई आप ये थोड़ी बताओगे कि भाई 50 रुपए कमाता हूं, या फिर ये भी नहीं बताओगे कि भाई 350 कमाता हूं, भाई मैं तो 200 भी कमाता हूं, 300 भी, 350 भी और 50 भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे और बताएंगे कि भाई दिन में जो है मैं इतना रुपया कमा लेता हूं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर औसत है जिसको हम यहां पर आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर इसको निकालना सीख लेते हैं। तो यहां पर जो पहला सवाल है, यहां पर देखिए 55 प्लस 65 52 48 और 60, ठीक है। तो यहां पर औसत निकालना कैसे है, तो औसत कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, ठीक है। तो जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर लिखते हैं भाई 55, ठीक है, इसके बाद में प्लस है 65, इसके बाद में है हमारा 52, ठीक है, फिर इसके बाद में है 48 और इसके बाद में है 60, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा,
कुल आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो इसमें हम भाग लगाएंगे 5 का, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़िए, तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 8 20, ठीक है। तो 20 की 0 हाँ से ले जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब दहाई दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28, मतलब 280 हो गया, और बटे में कितना है 5, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पर हम काटेंगे, 5 पंजे 25, 3 बचेंगे, 28 थे तो 3 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 5 छक्का 30 कितना आ गया 56। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना आया है 56 निकल करके आया है, ठीक है। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं, ठीक। चलिए एक और सवाल करते हैं, बाकी एक सवाल आपको खुद करके बताना पड़ेगा, हमारा तीसरा सवाल, ठीक है। दूसरा मैं कर देता हूँ, क्या है 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, ठीक है। सभी को जोड़ के कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो 5 से लगाना होगा भाग, ठीक है, क्लियर। चलिए तो लगाते हैं भाग हम, सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 11 और 7 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18 और 8 हो जाएंगे हमारे 24, ठीक है 26, 18 और 8 हम हो जाएंगे 26, 26 और 9 कितने हो जाएंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 35, और बटे में कितना है 5, तो 5 से 35 को काटिए कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 7 बार, यही 7 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है समीकरण। यहाँ पर देखिए आपको समीकरण के 4 सवाल दिए गए हैं। अब ये जो सवाल है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको हल कैसे करना है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, इसको देखिए क्या है 8x-3 और बटे में है हमारा कितना 3x और बराबर है 2। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, पक्षांतर करना होता है, ठीक है। तो पक्षांतर का रूल क्या है कि जब भी कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस है, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, इस तरफ मान लीजिए भाग है, इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, इस तरफ गुणा है, उस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। बस यही रूल आपको याद रखना है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, भाग है तो गुणा होगा, गुणा है तो भाग होगा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको याद रखना है, फिर आप जो है इसको आसानी से हल कर पाएंगे। देखो 8x-3, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 8x-3। अब ये इसके भाग में है, तो जब यहां पर भाग में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा गुणा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, और 2 यहां पर पहले से है, और यहां पर ये भाग में उस तरफ जाकर क्या होगा गुणा में, ठीक है। तो ये हो गया गुणा, और ये हो जाएगा 3x, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हम लिखते हैं, ये हो गया 8x-, यहां पर है 3 बराबर। अब देखिए इनका गुणा करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और x, तो ये हो गया 6x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x x वाली संख्या को एक तरफ, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8x, 6 को इधर ले आइए, तो ये देखिए यहां पर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6x बराबर, ये यहां पर काय का है माइनस का है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो ये हो गया 2x बराबर 3। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये यहां पर गुणा पे है, ठीक है, बराबर में 3 है, ये यहां पर गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया 3/2 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए इसको हटाते हैं और एक और सवाल जो है अगला सवाल उसको करते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल में आपको पूरे सवाल करना आ जाएंगे कि भाई एक सवाल ये वाला और हल करना सीखेंगे, बाकी ये जो सवाल है ना आप खुद अपने आप कर लेंगे। देखो ये वाला और करते हैं, तो ये देखिए 9x हो गया और बटे में क्या आ गया 7-6x = 15, ठीक है। तो यहां पर भी वही करना है भाई, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा गुणा में है, सॉरी भाग में है, इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया 9x बराबर, यहां पर कितना है 15, और इसका हम गुणा करेंगे काय से 7-6x से, ठीक है। तो ये तो 9x ऐसा ही रहेगा बराबर, ये हमारा 15 है, तो 15 और 7 का गुणा करिए कितना हो जाएगा 7 पन्ने 35 की 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना हो गया 105, ठीक है। माइनस अब 15 का 6 में होगा, 15 छक्के कितने हो जाएंगे 90, और ये x, तो ये x आ गया, ठीक है। अब x x वाली संख्या को एक तरफ करिए, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9x है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये जो 90 है ना इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस, ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 90x, और बराबर में यहाँ पर कितना है 105 है, ठीक है। तो 90 और 9 कितने हो जाएंगे 99
एक्स बराबर कितना हो गया हमारा 105। 99 को नीचे ले जाइए तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 105/99। और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी की ये जो दो सवाल है ना, इसको आप खुद ही करके देखिए, बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का जो सवाल है देखिए, देखने में तो बहुत ही आसान होता है लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या है, 600 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला है वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा हमारा क्या 100। ठीक है, चलिए मूलधन कितना है 600 रुपए, तो ये हो गया हमारा 600। ठीक है, दर कितनी है, जिसमें परसेंट लिखा हो वो दर होती है, दर कितनी है 4%, तो ये हो गया 4 गुणा समय कितना है हमारा 2.5 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 सही 1/2। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 100, तो ये हो गया हमारा 100। चलिए इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए इसको पहले हम सरल करेंगे, तो 2 दुनी 4, ठीक है, 2 दुनी 4, 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 गुणा 4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, और ये 100 है, 100 भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इस 2 के गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। ठीक है, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, क्या बचा 6 गुणा यहाँ पर 2 यहाँ पर 5। ठीक है, तो गुणा करिए 5 दुनी 10, 10 छिंग कितना हो जाएगा 10 छिंग 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज निकल कर आया है वो कितना आया है 60 रुपए। ठीक है, तो 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% की ब्याज दर से 60 रुपए हमारा जो है ब्याज बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 7,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला है हमारा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भैया, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आएगा हमारा क्या 100। ठीक है, मूलधन कितना है 7,000, तो ये हो गया हमारा 7,000 गुणा दर कितनी है 6%। ठीक है, समय कितना है हमारा, समय है 2 वर्ष। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब क्या बचा उसको गुणा करिए, तो ये तो हमारा देखिए 70 बच गया, गुणा यहाँ पर क्या है 6 और गुणा यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा करते हैं, तो देखिए 6 दुनी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये तो हो गया 12 गुणा यहाँ पर क्या है 70। ठीक है, ये हो गया 70। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 12 और 0 को गुणा करेंगे 12 आएगा। ठीक है, 12 सत्य कितने होते हैं 84, कितना हो जाएगा 840 रुपये, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, तो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज समझ में आ गया। चलिए अब सीखते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसमें भाई साहब 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे काय से, मूलधन के फार्मूले से। ठीक है, मूलधन का फार्मूला क्या है, a = p/1+r/100n। ठीक है, अब इसमें देखिए a क्या होता है, a मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, p मतलब होता है हमारा मूलधन, r मतलब होता है हमारा दर और n मतलब होता है समय। ठीक है, और ci मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए तो हमारा देखिए P बराबर हमें दिया गया है 4,000। ठीक है, इसके बाद में हमें R बराबर दिया गया है 10। ठीक है, इसके बाद में N बराबर हमें दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, तो अब हमें यहां पर इस फार्मूले में वैल्यूज को रख के आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए A बराबर P कितना है 4,000, तो ये हमने रख दिया भाई 4,000। ठीक है, इसके बाद में देखिए 1+r कितना है हमारा 10 है, तो ये हो गया हमारा 10/100 और इसकी पावर क्या है n, n मतलब कि हमारा समय कितना है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं, ये हो गया हमारा 4,000, इसको गुणा करिए, देखिए 100 एकम 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110 और बटे में कितना आ जाएगा 100 और इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया, अब क्या करना है भाई, अब इसको हमें सीधा सीधा हल कर लेना है। तो a बराबर देखिए ये हो गया हमारा 4,000 गुणा, ये 3 बार है तो इसको 3 बार हम लिख लेंगे 110/100। ठीक है, गुणा 110 बटा
100 गुणा 110 बटा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो बची हुई है, तो इस जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे, ठीक है, क्लियर। इस जीरो से इसको काट देंगे, इस जीरो से इसको काट देंगे और इस जीरो से इसको काट देंगे, ठीक है, समझ में आया। देखिए ऊपर कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितनी जीरो थी, 6 जीरो, तो कट गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ है ना उसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a बराबर 4 गुणा यहां पर बचा 11, यहां पर भी क्या बचा 11, यहां पर भी बचा 11, ठीक है। अब सभी का गुणा करिए, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 11 और 11 का करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है। फिर इसमें इस वाले 11 का करेंगे क्या आ जाएगा, तो फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 1 2 1 3, 2 1 3 और ये 1, ठीक है, तो 1331 आ जाएगा। और फिर इसमें हम गुणा करेंगे 4 का, तो 4 का करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12 की 2, हासिल 1, ठीक है, 4 3 12 और 1 13 की 3, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया, 5324, ठीक है। तो हमारा a बराबर कितना आया है, 5324। तो ये क्या है, मिश्र धन है। अब हमें CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन मतलब होता है हमारा, देखिए मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा मूलधन कितना है, 4000, तो यहां पर हम इसमें से 4000 को घटा देंगे, तो घटाइए, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, मतलब 1324 जो है वो हमारा आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जितना भी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में आपको सिखाई है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा, और वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है तो वीडियो को जो है यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।